ये कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी और ऐसा ही भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी का सामना हुआ था। वह एक चुड़ैल थी, खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली चुड़ैल। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज्यादा थी, पूरे गांव में कोहरा धुंध छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता था जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी शहर कर्मचारी चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी को पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो वह औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि है किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना जरूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जिसके बाद वह दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज सुनी, सब भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उसे महिला को देखा तो दादाजी से पूछा। दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब यही खाना बना देगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि है कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुँची तो देखा कि अभी वह महिला मछलियाँ बैग में से मछली निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया, कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाए। दादी माँ ने बोला कि जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से यह झिझक रही है, जिसके बाद दादी माँ चली गई। रसोई में अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। फिर 10-15 मिनट बाद दादी में रसोई में आई तो रसोई का नजारा देखकर दादी माँ बहुत डर गई। उनके पैर वहीं पर जम गए। दादी माँ के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही
रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे लंबे काले बाल, बड़े बड़े नाखून और चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछली खाने में मगन थी, इस कारण दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ से चिल्लाई भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि यह और ज्यादा भयानक ना हो जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़े। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव जंगल की तरफ चली गई। पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे और सभी मेरी दादी माँ की प्रशंसा कर रहे थे, जिन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को आग से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वह पूरे गांव के लोगों को खत्म कर देती।